पर टीवी पर और मैं हूँ आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करेंगे मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। श्री राम कथा में व्यासपीठ में विराजाचार्य रामानंद महाराज ने चित्रकूट में भगवान श्री राम से भरत मिलाप का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि राजकुमार भरत को ये पता चलता है कि प्रभु श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ चित्रकूट में ठहरे हुए हैं। तब राजकुमार भरत तुरंत दौड़े चले आ रहे हैं। आयोजक मंडल ने एडवोकेट बालेंद्र तिवारी, वीरेंद्र गौतम ने सभी भक्तों का आभार व्यक्त किया। राम नरेश गौतम, श्यामलाल गौतम, शीतला गौतम समेत कई लोग इसमें उपस्थित रहे और साथ ही गौतम सच्चिदानंद गौतम, हर्ष नारायण गौतम, ब्रजेंद्र गौतम, संजीव गौतम ये सभी इसमें उपस्थित रहे। इन्होंने सहयोग दिया। आज विशाल भंडारे और प्रसाद का भी वितरण किया गया। जबलपुर में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग के नेतृत्व में बड़ी भाजपा कार्यकर्ताओं ने मालवीय चौक में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का पुतला दहन करते हुए पाकिस्तान से माफी मांगने की बात कही है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आपत्तिजनक बयानबाजी की, जिसके बाद पूरे देश में पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश दिखाई दे रहा है। वहीं जबलपुर में मालवीय चौक में भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग के नेतृत्व में पाकिस्तान के विदेश मंत्री का पुतला जलाते हुए पाकिस्तान से माफी मांगे जाने की बात कही गई। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जी ने जिस तरह भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरा देश आक्रोशित है। आज पूरे देश के अंदर नागरिक सड़कों पर उतरकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, देश के अलग अलग संस्थानों के कार्यकर्ता पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जी के उन शब्दों का विरोध करते हुए उनके पुतले जला रहे। पूरा देश एकजुट है। जिन शब्दों का प्रयोग किया गया वो ऐसे मंचों से और ऐसे पद के ऊपर बैठे हुए व्यक्ति को शोभा नहीं देता। भारत के नागरिक अपने प्रधानमंत्री से प्रेम करते हैं और ये बिलावल भुट्टो का बयान ये बताता है कि पाकिस्तान के अंदर कितना निराशा का वातावरण है, हताशा का वातावरण है और कुंठित होकर वो ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। मैं उनसे एक ही बार कहना चाहता हूं, कल ही 16 दिसंबर बीती है, ऐसी मानसिकता के कारण ही पहले पाकिस्तान के दो टुकड़े भारत ने किए। भारत के वीरों को, उनकी शक्ति को, उनके शौर्य को परखो मत। ये भारत बदला हुआ भारत है।